लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो यह मुद्दा जैसे गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की इस घटना का जिक्र किया है, जिसमें मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि मंगेश पांडिलकर ने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग के बाद केवल 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा कि ईवीएम को कोई भी हैक कर सकता है। मस्क ने कहा कि हमें अब ईवीएम से बचना होगा और इसे खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य हो या एआई, ईवीएम के हैक का जोखिम बना रहता है। मस्क के पोस्ट पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मस्क की माने तो कोई भी व्यक्ति एक सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है, लेकिन यह बयान सरासर गलत है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि मस्क की यह बात अमेरिका और दूसरी जगहों में सही हो सकती है, जहाँ वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन को बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको हमारी जानकारी कैसे लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।